स्वागत है आपका मेरे चैनल डिस्कवर होम में। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पूजा पाठ से संबंधित एक नई सी चीज़। फ्रेंड्स, पूजा की बात ही आप बाज़ार से तो लाते ही होंगे फ्रेंड्स, लेकिन आप घर में कैसे इजीली पूजा की बाती तैयार कर सकते हैं, तो वो हम आपको घर पे बताएंगे कि बिना किसी भी खर्चे के आप घर पे बहुत सारी पूजा की बाती बना के तैयार कर सकते हैं और बिना किसी झंझट के। और आपको इसको बनाने में फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा समय भी नहीं लगने वाला है, बहुत आसानी से बन जाती हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ तीन तरह की बाती बना के रखी हुई हैं, जैसा कि आप देख रहे हो। ये जो लंबी वाली बाती हैं, ये देवी माँ को अति प्रिय होती हैं। तो फ्रेंड्स, ये वाली बाती हैं, ये भी बहुत अच्छे आसानी से बन जाती हैं फ्रेंड्स। और इसके साथ ही हमारे पास ये वाली इस्कॉन मंदिर में जलने वाली, ये बहुत लंबे समय तक चलने वाली ये बाती है। तो ये हम आपको बनाना बताएंगे कि इसको हम कैसे बनाएंगे। और फ्रेंड्स, ये है रेगुलर दीपक की बाती, जो कि भगवान विष्णु और शिव और जो भी भगवान होते हैं, देव होते हैं, उन पर इस तरह की बाती का प्रयोग किया जाता है, इस तरह की बाती जलाई जाती है फ्रेंड्स, प्रज्वलित की जाती है। तो फ्रेंड्स, आज हम यही सब बनाना सीखेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत किस किस चीज़ की होगी फ्रेंड्स, तो वो देख लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए धुनी हुई अच्छे से साफ रुई। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हो इस तरह से हमने ले ली है कॉटन, और इसमें से हमें थोड़े थोड़े छोटे छोटे इस तरह से पीस कर लेने हैं फ्रेंड्स, जिससे हम बनाएंगे पूजा की बाती। इस तरह से छोटे छोटे आप पीस कर लीजिए। आपको थोड़ी बड़ी बाती चाहिए तो आप बड़े भी बना सकते हो, छोटी बाती चाहिए तो छोटे भी बना सकते हो फ्रेंड्स। उसके साथ ही फ्रेंड्स, आपको लगेगा ये थोड़ा सा पानी, आप पानी यूज़ कर सकते हो या फिर आप यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स कच्चा दूध, जिससे कि आपकी जो बाती है वो ख़राब नहीं होगी। आपको बॉयल दूध का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि उससे जो बाती है उसमें फंगस लग सकता है, स्मेल आ सकती है। तो आप सिर्फ़ कच्चा दूध ही यूज़ करिए इसे बनाने के लिए, या फिर आप प्लेन वाटर का यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके लिए इसके साथ ही, जैसे कि आपने बाज़ार में देखा होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर इस तरह का एक कलर लगा होता है ये बाती के ऊपर। तो फ्रेंड्स, वो आप बिल्कुल बाजार जैसा नेचुरल लुक देने के लिए हमें क्या करना है, हमें ले लेना है इस तरह से सिंदूर फ्रेंड्स, जो हनुमान बाबा पे चढ़ता है उस तरह का सिंदूर है फ्रेंड्स। और उसमें डाल लिया है हमने थोड़ा सा शुद्ध गाय का देसी घी, जो कि हमने घर में ही बनाया है फ्रेंड्स। इसकी वीडियो हमारे चैनल पर है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि हमने शुद्ध देसी घी मलाई से घर में कैसे तैयार किया है। तो फ्रेंड्स, देख लेते हैं कि कैसे हम अपनी बाती को तैयार करेंगे। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमने इस तरह से छोटे छोटे से कॉटन के पीस ले लिए हैं। इनको हमें हाथ से अंदर दबाते हुए इस तरह से एक बेस बनाना है फ्रेंड्स। चारों तरफ से हमें इसको ऐसे अंदर पुश करना है, जिससे ये अच्छे से टिकाने के लिए वो बन जाए। और फ्रेंड्स, फिर हमें इसको यहाँ से जो इसके एजेस हैं उनको हल्का सा खींचते हुए इस तरह से हमको इसको बट लेना है, एक ही डायरेक्शन में घुमाना है फ्रेंड्स। और उसके लिए, जैसे कि अभी ये तो बहुत पतला सा भाग है फ्रेंड्स, इसके लिए हमें थोड़ा सा कॉटन लेना है, फिर हमें इसको यहाँ पे लगाना है। और इसके साथ ही हमें थोड़ा सा पानी ले लेना है, इस तरह से पानी में हाथों को गीला कर लेना है, और फिर बस एक ही डायरेक्शन में घुमाते हुए हमें इस तरह से अपनी बाती को तैयार कर लेना है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बाती को इधर भी घुमा रहे हैं इधर भी घुमा रहे हैं, हमें ऐसा नहीं करना, हमें सिर्फ़ एक ही डायरेक्शन में घुमाना है। तो इस तरह से हमें एक एक करके इस तरह से बाती बना के तैयार करना है फ्रेंड्स। इसी तरह से हम दूसरी बाती भी आपको बनाना दिखा रहे हैं कि इस तरह से आप इसको पहले तो समेट लीजिए, सारी रुई को इस तरह से फोल्ड कर लीजिए, और फिर यहाँ से थोड़ा सा एजेस निकलेगा, उसको इस तरह से करते हुए एक ही तरफ घुमाना है आपको। और बस थोड़ा सा कॉटन और ले लीजिए, इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा कॉटन लगाएंगे, थोड़ा सा अपना हाथ गीला करेंगे पानी से, और उसको लगाते हुए इस तरह से रुई को, बाती को एक ही डायरेक्शन में बट लेना है हमें, और हमारी बाती बनके तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख पा रहे हो इस वीडियो में, देखिए फ्रेंड्स, ये इस तरह से आपकी बाती बनके तैयार हो जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी तक हमने दो बातियां तैयार कर ली हैं। इसके साथ ही अभी हम आपको और बातियाँ बनाना बताते हैं। इसी तरह से घुमा घुमा के आपको तैयार कर लेनी है, और फिर जो इसके एजेस होते हैं उनको इस तरह से हल्का सा खींचते हुए आगे की तरफ,
इनको इस तरह से एक डायरेक्शन में घुमाना है, फिर थोड़ा सा कॉटन लेना है इस तरह से, फिर इसको यहाँ रखना है, फिर अपना हाथ गीला करना है पानी में और फिर इसको लेके इस तरह से घुमा देना है और फिर थोड़ा सा कॉटन लेना है। यदि आप चाहते हो कि इसकी जो जो पॉइंट है वो थोड़ा और अच्छा सा बने, मोटा सा बने, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा और कॉटन लगा सकते हो, इसको और अच्छा बना सकते हो। फ्रेंड्स ये इस तरह से, और फ्रेंड्स इसके साथ ही अब मैं बनाना दिखाऊंगी आपको इस तरह की बाती। ये जो लंबी बाती है ये इस्कॉन मंदिर में जलती है फ्रेंड्स, और ये बाती का मेन कारण ये होता है कि बाती जो है बहुत देर तक जलती है फ्रेंड्स। ऐसा नहीं है कि ये बहुत जल्दी बुझ जाएगी, ये जो छोटी बातियाँ होती हैं ये कम समय के लिए होती हैं, जबकि ये लंबी वाली बाती बहुत देर तक जलती है। तो इसको भी हम तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा हमें इधर से लेते हुए और थोड़ा सा इसका एजेस इधर से निकालते हुए और सारा कुछ इस तरह से अंदर की तरफ समेटते हुए हमको ये जो दो एजेस हैं इन दोनों एजेस को आपस में मिला देना है और फिर पानी का हाथ लेना है और फिर इसको बट देना है इस तरह से। इसके लिए एक्स्ट्रा कॉटन लगेगा, तो हमें थोड़े थोड़े पीसेस में कॉटन लेते हुए इसको बटते जाना है और इसको बाती को बढ़ाते जाना है। एक ही डायरेक्शन में हमें इसको बटना होगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप इसको बट लीजिए, फिर जैसा आप देख पा रहे हो हमको इसके ऊपर थोड़ा सा और वो लगाना होगा, कॉटन लगाना होगा, फिर पानी का हाथ लेना है, फिर हमें ऊपर की तरफ और थोड़ा सा वो करना है। तो ये जो बाती होती है फ्रेंड्स ये बहुत टाइम तक जलती है, तो ये इस तरह की बाती भी आप स्पेशल ओकेज़न पे, जैसे दिवाली हुई और भी कोई दुर्गा पूजा हुई, कुछ भी हुआ फ्रेंड्स, जो जैसे शिवरात्रि आ रही है अभी आपकी, तो आप चाहते हैं कि आपके मंदिर में बहुत देर तक जो बाती जले, तो उसके लिए आप इस तरह से बाती तैयार करके रख सकते हैं फ्रेंड्स। इस तरह की बाती आप तैयार कर सकते हैं जो कि मैंने आपको बनाना सिखाया है फ्रेंड्स। इस तरह से आप बाती को बस एक ही डायरेक्शन में घुमाते जाइए, बटते जाइए, तो आपकी बाती बन करके तैयार हो जाएगी। जैसा कि आपको लग रहा है यहाँ पे बाती थोड़ी सी कम है, तो फ्रेंड जहाँ पर आपको लगे कि थोड़ी सी हमारी बाती सही से स्टेबल नहीं हो पा रही है, वहाँ पर थोड़ी सी और कॉटन लपेट लीजिए, गीला हाथ लगा लीजिए बस उसको, और थोड़ा आप इस तरह से राउंड राउंड घुमाएंगे तो आपकी बाती जो है स्टेबल हो जाएगी और बहुत अच्छी एकदम स्टिकी बन जाएगी फ्रेंड्स। देखिए आप जिस तरह से ये बाती है, ये आप देख पा रहे हो ये बिल्कुल सीधी खड़ी है, कहीं से भी झुक नहीं रही है फ्रेंड्स, जैसे कि ये एकदम स्टेबल है, ये ऐसा नहीं है कि ये गिर जाएगी, ये एकदम सही से खड़ी हुई है। और फ्रेंड्स इसी के साथ इस तरह की बाती, जैसे आप देख पा रहे हो ये बाती जो दुर्गा पूजा में लगती हैं, ये कैसे आप इजीली घर में बनाना सीख सकते हो फ्रेंड्स, वो हम आपको बता देते हैं। उसके लिए आपको करना इस तरह से कॉटन को फैला लेना है, एक लंबी इस तरह से ऐसे फैला के ले लेना है, और ये मेरे हाथ में है सिलाई जिसे हम फ्रेंड्स स्वेटर बुनते हैं। आपको सबसे पतली वाली सिलाई ले लेनी है, मैंने 12 नंबर की सिलाई ले ली है फ्रेंड्स, इससे बातियाँ बहुत जल्दी जल्दी बनती हैं। बस आपको करना क्या है, इस तरह से कॉटन फैला के रख लेना है और बस इसको आप इस पर रखिए और इस तरह से रैप कर देंगे, तो फ्रेंड्स ये आप देख पा रहे हो इस तरह से आपकी बाती बहुत ही इजीली बन के तैयार हो जाएगी फ्रेंड्स। और उसके साथ ही फ्रेंड्स इसी तरह से देखिए आप दूसरी भी कॉटन को फैला लीजिए इसी तरह से, और थोड़ा सा इसको जो एकदम एक सा हो जाए कॉटन ऐसा कर लीजिए, और बस इसको भी इसी तरह से गोल गोल आप 2-3 बार घुमाएंगे तो आपकी इस तरह से बाती बन के तैयार हो जाएगी। तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने 2 बाती तो इस पत्थर पे बना ली हैं, और इसके साथ ही देखिए मैं आपको हाथ से भी बनाना बताती हूँ, यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है इजीली पड़े तो आप इस तरह से सिलाई को लीजिए और अपने हथेली पर रखिए और इस तरह से बस आपको जैसे आपने वो वाली बाती बटी थी बस उसी तरह से आपको बटते हुए जाना है और बस निकाल लेना है हल्का सा बटके, और फिर जैसे ये आपको फूली हुई सी लग रही है, आप चाहते हो कि ये और ज़्यादा बारीक हो जाए, तो बस आपको इस तरह से इसको बट लेना है। तो ये देखिए इस तरह से बिल्कुल बारीक हो जाएगी फ्रेंड्स,
तो ये बहुत ही अच्छी और फाइन गुथ के तैयार हुई है। ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत ज़्यादा लूज़ है। ये वाली बातियाँ हैं जो ये थोड़ी आपको फ्लॉपी लगेंगी, और ये वाली बाती है जो ये जो है वो एकदम बारीक है। तो इस तरह से हम और बातियाँ भी तैयार कर लेते हैं। ये लिया हमने, बस इस सिलाई को रखा इस तरह से, इसको एक दो राउंड हम घुमाएंगे, उसके बाद निकाल करके इसमें से, और बस फिर हम अपनी हथेली से इस तरह से इसको बट लेंगे इस तरह से। तो बहुत इजीली हमारी जो लंबी वाली बाती है वो बनके तैयार हो जाएगी। इस तरह से मैं आपको बताती हूँ ये तीन चार बातियाँ बनाना। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी अगेन एक और बन गई, और इसको इस तरह से बटेंगे, और ये हमारी तैयार हो गई। बन गई हैं, ये हमारी मोटी वाली बत्तियां बन गई हैं थोड़ी, ये हमारी बहुत फाइन सी बत्तियां बन गए बन के तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स, ये हमारी स्कोन बनने वाली बत्तियां बन के तैयार हो गई हैं दो, और इसके साथ ही फ्रेंड्स ये जो रेगुलर बत्तियां होती हैं पूजा बाती, वो हमारी बन के तैयार हो गई हैं फ्रेंड्स। अब हम इनको बाजार जैसा लुक कैसे दें, तो इसके लिए फ्रेंड्स आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो फ्रेंड्स। इसमें आप हल्दी लगा सकते हो, इनकी जो टिप होती है उस पर आप हल्दी यूज़ करके लगा सकते हो, कुमकुम लगा सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स हम आपको बता रहे हैं, देखिए फ्रेंड्स हमने लिया है ये सिंदूर, और सिंदूर के साथ लिया है देसी घी, और देसी घी को हम इसको दोनों को अच्छे से मिक्स करेंगे फ्रेंड्स। इसका लगाने का फ्रेंड्स एक वजह और भी है फ्रेंड्स। इसका मेन कारण क्या है, क्योंकि आप जब भी इन बत्तियों को जलाओगे, जब ये इनका जो टिप है वो घी में डूबी हुई होगी, घी लगा हुआ होगा, तो वो आप यदि माचिस जहाँ से उसमें जलाओगे, अपने दीपक को प्रज्वलित करोगे, तो फ्रेंड्स वो बड़ी आसानी से प्रज्वलित हो जाता है, और देखने में भी बहुत अच्छा लगता है फ्रेंड्स। तो इसका मेन रीज़न यही है। तो हमने यहाँ कुमकुम या हल्दी ना लेते हुए फ्रेंड्स हम इन बत्तियों को रंगेंगे इस सिंदूर से और देसी घी से। तो देखते हैं कैसे इनको तैयार कर लेना है। इसके लिए देखिए थोड़ा सा आप ये लीजिए सिंदूर अपनी दोनों उंगलियों में, और इस तरह से जैसे आपने बाती को घुमाया था, बस सेम प्रोसेस से इस तरह से बस ईजीली आपको देखिए इस तरह से बस घुमाते हुए इन बत्तियों को, और थोड़ा थोड़ा सा कलर लगाते जाना है। देखिए फ्रेंड्स ये एकदम बाजार जैसी बत्तियां बनके तैयार होंगी आपकी। ऐसा नहीं है आपको ऐसा लगे कि अरे नहीं ये बत्तियों में वैसा लुक नहीं आ रहा जैसा बाजार जैसी बत्तियों में आता है फ्रेंड्स। तो ये बत्तियां आपको बिल्कुल बाजार जैसी लगेंगी। और फ्रेंड्स ये जो बत्तियाँ हैं जिनको हम घी में डिप करके बना रहे हैं, इनको आपको धूप में सुखाने की भी ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स आप देख पा रहे हो ये वाली जो बत्तियां हैं, ये जो हम बना के तैयार कर रहे हैं, ये ऑलरेडी घी और सिंदूर में बनी हुई हैं फ्रेंड्स। तो इनको आपको धूप दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप में ही मतलब अच्छे से रहने वाली हैं, इनको कुछ नहीं होने वाला। और यदि आप इसका दीपक जला के प्रज्वलित करोगे तो फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी अच्छे से दीपक में लौ लगती है इनमें, और अच्छे से प्रज्वलित होगा आपका दीपक, और बहुत देर तक ये बत्ती जलने वाली है। देखिए फ्रेंड्स ये इस्कॉन मंदिर वाली बत्ती है, ये देखिए फ्रेंड्स इसकी टिप कितनी लंबी है, और ये भी देखिए फ्रेंड्स कितनी सुंदर लग रही है ये। और इसी तरह से मैं लंबी वाली बत्तियों को भी आपको रंग के दिखाऊंगी। बस होता यही है कि दोनों साइड से बस इसको आप इस तरह से रंग लीजिए, तो ये देखने में बहुत सुंदर लगती हैं फ्रेंड्स, और बहुत ही अच्छी होती हैं। तो इसके लिए आप ना घर में इस तरह की बातियाँ बनाइए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर तैयार कीजिए, उनकी भक्ति भावना करते रहिए इसी तरह से। और उनके लिए ये देखिए फ्रेंड्स इसी तरह से मैं थोड़ी सी मोटी बातियां भी आपको बना के दिखा रही हूँ, जिससे आपको पता पड़े कि इनका लुक बाज़ार जैसा है या नहीं। मैं तो ये कहूँगी कि बाज़ार से भी ज़्यादा सुंदर लग रही हैं फ्रेंड्स देखने में। और ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, हमें ये सब काम घर में ही करते रहना चाहिए, इससे हमारे पैसे की भी बचत होती है, और इसके साथ साथ ही जो भगवान के प्रति हमारी सेवा है वो भाव भी हमारा पूरा होता है। Thank you.
शुभम करोतु आरोग्य मंगल धन संपदा शत्रु विनाशाय दीप ज्योति नमस्तुते दीप ज्योति नमस्तुते। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हो हमारी जो बाती है वो शुरू हो गई है। हमने आपको तेल की बाती दिखाई, हमने आपको घी में भी डिप करके दिखाया कि किस तरह से हमारा दीपक प्रज्वलित हो रहा है। हमारी सुंदर सुंदर बातियाँ जल गई हैं और फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खुशी होती है फ्रेंड्स मन में जब हम खुद से कोई काम करके बनाते हैं। ये बातियाँ हमने खुद घर में तैयार की हैं तो फ्रेंड्स एक अजीब सा सुकून मिल रहा है मन को। तो फ्रेंड्स इस तरह से आप भी अपने घर में इस तरह की पूजा बाती बनाइए और भगवान की सेवा में अर्पण कीजिए फ्रेंड्स, और भगवान का ढेर सारा आशीर्वाद पाइए फ्रेंड्स। आप सभी भक्तजनों को भगवान का आशीर्वाद मिलता रहे, इसी शुभकामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।